विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अब अपनी कैंपेन शुरू कर दी है और वोट मांगने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी। विधानसभा चुनाव 2022 के कार्यक्रम में तीसरे चरण में 20 फरवरी के दिन जनपद में मतदान होना तय किया गया है। मतदान की लगभग 50% प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। अब राजनीतिक दल गली मोहल्ले और गांव कूचों में लोगों से वोट अपील करते दिखाई दे रहे हैं। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीरें भूगांव विधानसभा की है। यह भूगांव विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आलोक साक द्वारा अपने समर्थकों के साथ ग्राम छाछा में लोगों से वोट अपील की गई है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से आलोक साखी की ओर से लोगों से हाथ जोड़कर वोट अपील की जा रही है। साथ ही आलोक साखी के यहाँ पहुँचने पर लोगों ने उनका स्वागत किया है। वोट अपील करते हुए आलोक साखी ने क्या कुछ बताया है अब जरा अहम सुनिए। करेल से अखिलेश यादव के आगे उसके बारे में क्या कहना? अब उनका ऊपर राष्ट्रीय नेतृत्व की बात है, हाईकमान का मामला है, अब वो जाने उनका काम जाने लिया है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। नहीं, उनका कहना है कि हम कांग्रेस के जब प्रत्याशी उतारे जाते हैं तो समाजवादी पार्टी नहीं उतारती उनके सामने, इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने कांग्रेस ने नहीं उतारा। भाई वो जब लड़ती है तो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय नेता माननीय अखिलेश यादव भी नहीं उतारते, इसी क्रम में ये घटनाक्रम हो रहा है। जब भी सरकार आई है माननीय अखिलेश यादव जी ने माननीय नेताजी ने रोजगार दिए हैं, किसानों के लिए काम किए, नौजवानों के लिए काम किए, उसी तर्ज पर हम लोग सरकार बनने पर सारे जात और धर्म के लोग, किसान, नौजवान, माताएं, बहनें, व्यापारी सबके काम करेंगे। मंत्री जी सुख दुख में रहेंगे, हमेशा उनके बीच में हम लोग आकर उनकी समस्याओं को लेकर उनके बीच में रहकर उनका निपटाने का काम करेंगे। ये लोग तो केवल टीवी पे ही बोलते हैं, इन्हें घुसने के लिए जगह नहीं मिल रही है, कहीं जा नहीं रहे, जहाँ इनके विधायक प्रत्याशी जा रहे हैं पब्लिक खदेड़ रही है इनको। भारतीय जनता पार्टी के जो इन्हें कृत्य किए हैं जनता में तो कोई काम किया नहीं है, केवल एक दूसरे को लड़ाने का काम किया है, आपस में भाईचारा खत्म किया है, विश्वास की कमी आई है। ये ऐसी भारतीय जनता पार्टी है, खोखले वाली पार्टी है। जीतेंगे, उन्हीं के नाम पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, घर घर उनके नाम को लेकर हम लोग जा रहे हैं और समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। माननीय अखिलेश यादव पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे और जनपद मैनपुरी में उनके आने से हमारे सारे कार्यकर्ताओं का मनोबल दोगुना चौगुना बढ़ा है, उसी रफ्तार से हम लोग प्रचार कर रहे हैं। देखिए, अभी जनता का सिंह प्यार है, माला से, फूल से, तिलक से, यहाँ की जनता माताएं बहनें आम जनमानस सब जन भागीदारी समाजवादी पार्टी में है और सारे लोग भारी बहुमत से जिताएंगे। आपने देखा होगा फूलों की वर्षा, मैंने सोचा भी नहीं था हम इनको कैसे प्रणाम करें, इनका कैसे ऋण उतारेंगे, अब इस चक्कर में हम पड़ गए। हम बहुत गदगद हैं, हमारे पार्टी के सारे लोग बहुत गदगद हैं, अब जीत से कोई रोक नहीं सकता। माताएं, बहनें, नौजवान, बुजुर्ग सारे लोग स्वागत में खड़े हैं और वो तो कह रहे हैं कि अभी डाल दें वोट, हमने वोट तो 20 तारीख को ही पड़ेंगे। गया चुनाव में समाजवादी पार्टी चारों सीटें जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराएगी जनपद में। जनता सारी मेरे साथ है और आप लोग तो देखते ही हैं कि बीजेपी के साथ कितनी गाड़ी और कितनी भीड़ चल रही और हम लोगों के साथ कितनी भीड़ चल रही और हम लोगों को आलोक साहब को विधायक बनाना है और अच्छे वोटों से जिताना है।